दोस्तों, आपने सौंफ तो बहुत खाई होगी और लोग इसे माउथ फ्रेशनर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। अक्सर खाने के बाद होटलों में भी हम सौंफ देखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सौंफ को आप अपने घर में गमले में भी उगा सकते हैं, वह भी बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको गमले में सौंफ को कैसे उगाया जाता है उसकी पूरी जानकारी दूंगा, जिसमें मैं आपको सौंफ के बीज लगाने से लेकर सौंफ को हार्वेस्ट करने, मतलब सौंफ को पेड़ से तोड़ने तक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ में यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए जानते हैं कि कैसे हम गमले में भी सौंफ को उगा सकते हैं। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये सौंफ के बीज हैं। जो हम घर में सौंफ इस्तेमाल करते हैं, हमने वही सौंफ ली है और इसी सौंफ से हम जो है सौंफ के पौधे तैयार करेंगे। और इसके लिए हमने जो गमला लिया है दोस्तों, वो 12 बाई 12 इंच का गमला है और इसमें जो हमने मिट्टी ली है उसमें 50% नॉर्मल सॉइल और 50% गाय के गोबर का हमने इस्तेमाल किया है। साथ में हमने इसमें मिलाई है 10% रेत। और आप देख सकते हैं कि सौंफ के जितने भी बीज थे हमने उन्हें गमले के ऊपर बिखेर दिया है। सौंफ के बीज को ज़्यादा गहराई पर ना लगाएं। और सौंफ को लगाने का जो सही समय है दोस्तों, वह सर्दियों का समय होता है। आप अक्टूबर नवंबर के समय में सौंफ को लगाइए, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और सौंफ के बीज लगाने के बाद आप ऊपर एक पतली लेयर से भी ढक सकते हैं। और दोस्तों, इस तरीके से आप मिट्टी में ही बीजों को मिक्स भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके सही हैं। सौंफ के बीज लगाने के बाद दोस्तों हम दे देंगे पानी। पानी पूरा दीजिए ताकि आपकी मिट्टी पूरी अच्छे से गीली हो जाए। मतलब पानी तब तक दीजिए जब तक कि आपके ग्रो बैग के नीचे या जिस भी गमले में आप सौंफ के बीज लगा रहे हैं उसमें से नीचे से पानी ना निकलने लगे। सौंफ के बीज लगाने के बाद हम इस गमले को रख देंगे फुल सनलाइट में दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, 10 दिन बाद का आपको रिजल्ट हम दिखा रहे हैं। 10 दिन में हमारे जो सौंफ के बीज हमने लगाए थे वो सभी सौंफ के बीज देखिए बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो गए हैं और सौंफ के छोटे छोटे पौधे बाहर आ गए हैं। यह दोस्तों 14 दिन बाद का अपडेट है और आप देख सकते हैं अब हमारे सौंफ के पौधे बढ़ने भी लगे हैं। अभी सौंफ के पौधे काफ़ी घने हैं, कुछ समय बाद हम इन्हें थोड़ा कम कर देंगे, मतलब कि जो एक्स्ट्रा सौंफ के बीज पौधे हैं हम उन्हें हटा देंगे। पूरे 30 दिन बाद का रिजल्ट है दोस्तों। और अब देखिए सौंफ के पौधे बड़े होने लगे हैं और काफ़ी मैच्योर हैं और उनकी स्टेम भी मोटी होने लगी है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं 40 दिन बाद का रिजल्ट है। और अब हमने कुछ लिमिटेड अमाउंट में पौधे ही हमारे ग्रो बैग में रखे हैं और बाकी पौधों को हटा दिया है। तो आप इन पत्तियों का इस्तेमाल भाजी के तौर पे भी कर सकते हैं, जैसे सोया की भाजी भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों हमने हमारे गमले को नीचे रख लिया है, मतलब कि अभी हमारे गमला जो है बाउंड्री वॉल पर रखा था हमारे टेरेस की, अब हम इसे नीचे ले आए हैं। और देखिए सौंफ के जो पौधे हैं वह काफ़ी बड़े हो गए हैं और अब इसमें छोटे छोटे सौंफ भी बनने लगे हैं, मतलब सौंफ के जो फूल हैं वह आने लगे हैं और अब काफ़ी जल्दी हमें इसमें सौंफ जो है देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, ये पूरे 80 दिन बाद का रिजल्ट है और आप देखिए अब हमारे जो सौंफ के पौधे हैं उसमें सौंफ बनने भी लगी हैं, काफ़ी फूल सौंफ में जो है कन्वर्ट हो गए हैं। और आप देखिए कितनी अच्छी ग्रीन ग्रीन सौंफ यहाँ लगी हैं। आप इस सौंफ का इस्तेमाल तुरंत खाने में भी कर सकते हैं और आप इस तरीके की हरी सौंफ को भी सुखा सकते हैं और इससे बहुत अच्छी हरी ऑर्गेनिक सौंफ तैयार कर सकते हैं। या फिर आप इसे थोड़े दिनों के लिए और छोड़ सकते हैं जिससे यह सौंफ और मैच्योर हो जाए और फिर आप इसको अच्छे से सुखाकर ड्राई कर रख सकते हैं। दोस्तों, सौंफ को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, ना ही इसमें बहुत ज़्यादा किसी तरह की बीमारियां लगती हैं। इसमें मैंने किसी भी तरह के जो है पेस्टिसाइड या नीम ऑयल का स्प्रे नहीं किया है दोस्तों। बस मैंने इसमें एक बार ऑर्गेनिक खाद डाली थी जिसमें मैंने गाय के गोबर का इस्तेमाल किया था। और ये 90 दिन बाद का रिजल्ट है दोस्तों। देखिए अब हमारे सौंफ बिल्कुल तैयार है तोड़ने के लिए और सभी सौंफ देखिए मैच्योर हो गई हैं और इसमें इस तरीके से देखिए सौंफ बन चुकी है। और अब हम इसे हार्वेस्ट कर लेंगे और एक दो दिन थोड़ा सा धूप में ड्राई करेंगे और फिर इसे अपने किसी भी जार में, आप एयर टाइट जार में इसे स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब वो समय आ गया है जब हम हमारे सौंफ के पौधे से सौंफ को हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप किसी भी कटर की मदद से इस तरह से सौंफ को हार्वेस्ट कर लीजिए और आप चाहें तो इसे ग्रीन ही हार्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमने कुछ ग्रीन सौंफ थी उन्हें भी हार्वेस्ट
कर लिया है। तो आप इस तरीके से देखिए, सारी सौंफ हमने हार्वेस्ट कर ली है और इसे अब हम रख देंगे ड्राई करने। देखिए कितनी अच्छी हमारी सौंफ तैयार हुई है और पूरी यह सौंफ 100% ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो की गई है दोस्तों। और आप 2 से 3 गमले में सौंफ लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आपको सौंफ मिल जाएगी। दोस्तों सौंफ को ड्राई करने के बाद हम इस तरीके से हाथ की मदद से उसे मीड़ देंगे और जो सौंफ है वो बड़े आसानी से निकल जाती है। देखिए कितने आसानी से सौंफ यहाँ से निकल जाती है और फिर इसमें से जितनी भी इसके जो स्टेम लगे हुए हैं उन्हें हटा देंगे और प्योर सौंफ अब हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से अपने घर पर ऑर्गेनिक तरीके से सौंफ उगा सकते हैं, वह भी अपने किचन में जो आपकी सौंफ है उसी से। तो इसे एक बार ज़रूर अपने होम गार्डन पर ट्राई कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसा रिजल्ट मिला। दोस्तों इसे स्पेशली सर्दियों के मौसम में ट्राई कीजिएगा, सर्दियों के मौसम में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ में यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो कि गमले में सौंफ को कैसे उगाया जा सकता है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक दोस्तों हमारे लिए बहुत मायने रखता है और आपके लिए इसे लाइक करना बिल्कुल भी आसान है, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर भी कीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस तरीके से हमने देखिए सौंफ तैयार कर ली है और अब इस सौंफ को हम कर लेंगे स्टोर और इस्तेमाल करेंगे अपने किचन में। आप इसको एज अ माउथ फ्रेशनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप जिस भी तरीके से चाहें इसे इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।